क्या हाल चाल दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के पांच सबसे बड़े भ्रष्ट नेताओं के बारे में। यह डाटा मैंने सीबीआई कैज और ईडी के रिपोर्ट के मुताबिक मैंने यह डाटा निकाला है। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं ए राजा। भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आता है। इसमें कुल 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था कैज के रिपोर्ट के मुताबिक। 2007 में यूपीए की सरकार में ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया और यह 2007 से लेकर 2010 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और उसी बीच स्पेक्ट्रम को बेचना था, जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस पर स्पेक्ट्रम को बेच दिया गया था, जिससे सरकार का करीब 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में लगभग 20 लोगों का नाम था, लेकिन मेन आरोपी यही थे क्योंकि यह उस समय के तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर थे। नंबर दो पर आते हैं सुरेश कलमाड़ी, जो 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले के मेन आरोपी हैं। उस समय वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम के चेयरमैन भी थे। और फिर इस घोटाले में जब सीबीआई एंट्री मारती है तो सुरेश कलमाड़ी दोषी पाए जाते हैं और फिर उन्हें दिल्ली के जो तिहाड़ जेल है उसमें उनका रास्ता दिखा दिया जाता है और उनको अपने अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। और इसमें लगभग 100 करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले के कारण जो उस समय इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम कराया गया था, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का काफी ज्यादा शर्म का सामना करना पड़ा था। नंबर तीन पर आते हैं लालू प्रसाद यादव, जो कि काफ़ी पॉपुलर नेता हैं। ये आए दिन ही अपने स्पीच के कारण हमेशा मीडिया की सुर्खियां में बने रहते हैं और आए दिन इन पर मीम्स भी बनता रहता है। यह चारा घोटाला के मुख्य आरोपी थे। यह घोटाला 1996 में हुआ था, जिस समय वो बिहार के सीएम थे और इस घोटाले के कारण उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। यह घोटाला लगभग 950 करोड़ का था। पशुओं का जो चारा होता है उसको खिलाए जाने के नाम पर जो सरकारी खजाना था उसको खाली कर दिया गया था और इस घोटाले के बाद से लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा मीडिया में आने लगे थे। नंबर चार पर आते हैं मधु कोड़ा, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे। यह कोयला घोटाला के मुख्य आरोपी थे। यह घोटाला लगभग 3,500 करोड़ का था। इसमें क्या किया गया था, जो झारखंड का कोयला ब्लॉक था उसको गलत तरीके से एक कोलकाता की कंपनी थी उसको बेच दिया गया था, जिससे जो काला धन था उसको सफेद किया जा सके। इससे सरकार का 3,500 करोड़ का घाटा हुआ था। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मधु कोड़ा को दोषी पाया गया और इसमें उनको 25 लाख का जुर्माना भरना पड़ा और 3 साल का जेल हुआ। मतलब यार 3,500 करोड़ का घोटाला हुआ और सिर्फ 3 साल की जेल और 25 लाख जुर्माना, काम खत्म। मतलब यार कितना सिंपल है, मतलब 3,500 करोड़ का घोटाला में सिर्फ 3 साल का जेल और जुर्माना के तौर पर सिर्फ 25 लाख रुपए। वाह क्या बात है। नंबर पाँच पे आता है स्टाम्प पेपर घोटाला। इसमें शरद पवार का नाम लिंक किया जाता है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यह घोटाला 2003 में निकलकर सामने आया था। इसका जो मुख्य आरोपी था वो था अब्दुल करीम तेलगी। इसमें करीब 30,000 करोड़ का सरकार का घाटा हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो स्टाम्प पेपर होता है वो डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर बनाकर मतलब बेचा गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सरकार का घाटा हुआ था, अनुमान के मुताबिक 30,000 करोड़। लेकिन सच किसी को पता नहीं आखिर क्या हुआ था इस घोटाले में। लेकिन गौरतलब की बात है, जो अब्दुल करीम तेलगी था वो इतना बड़ा घोटाला कर दिया, लेकिन इसके पीछे कोई नेता का हाथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब भाई साहब, इतना बड़ा घोटाला और किसी नेता का सामने नाम नहीं निकल कर आया, लेकिन इसका जो रिश्ता है वो शरद पवार से लोग जोड़ते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं निकल कर सामने आया जिसके कारण जेल नहीं गए हो। तो यार ये रहे भारत के भ्रष्ट नेता जो कि घोटाला किए हुए हैं, जो कि सीबीआई कैज और ईडी के हाथ लगे हैं। लेकिन हम सबको पता है इन नेताओं से भी ज़्यादा बड़े भ्रष्ट नेता मौजूद हैं। लेकिन क्या करें भाई साहब, कानून जो है वो सबूत मांगती है। जितने भी ये इनसे बड़े जो भ्रष्ट नेता है उनका जितना भी काला धन है वो स्विस बैंक में जमा है, जिसके कारण मतलब हम सभी को पता नहीं चल पाया है कि भाई साहब मतलब कौन से वो नेता हैं, वो राजनेता हैं जिन्होंने मतलब काला धन छुपा रखा है। लेकिन देखते हैं जो ये नेता हैं जो कि सीबीआई कैच और ईडी के हाथ नहीं लगे हैं, क्या उनका नाम निकलकर सामने आता है, जो कि अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर चुके हैं। क्या फ्यूचर में उनका नाम निकलकर सामने आता है या फिर नहीं। तो यार वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम इसी तरह के मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।